हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और गाइस, हमारी आप जैसे कि जानते हैं एक सीरीज चल रही है आसव और अरिष्ट के बारे में। आसव और अरिष्ट आयुर्वेद के क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, यानी आयुर्वेद की शास्त्रीय दवाइयां हैं। शास्त्रीय दवाइयां हम उनको बोलते हैं जिनका फॉर्मूला, जिनके नुस्खे, यानी उनका फॉर्मुलेशन, उनके बनाने का तरीका और उनका जिक्र आयुर्वेद की पुरानी किताबों जैसे भेषज रत्नावली, शारंगधर संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है आसव और अरिष्ट के बारे में, और उस सीरीज के साथ साथ मैंने अपने दर्शकों के लिए एक और नई सीरीज भी स्टार्ट की है। और आज हम उस सीरीज की पहली वीडियो देखने जा रहे हैं, और ये सीरीज है गूगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल के बारे में हम आपको बताएंगे। आयुर्वेद में 12 तरह के गूगलों का वर्णन है। दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं आयुर्वेद में, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है अलग अलग ग्रंथ से, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन फार्मेकोपिया है, यानी जो भारतीय आयुर्वेदीय शास्त्र है, जो सरकार ने जिसको स्टैंडर्डाइज्ड किया है, उसके अनुसार 12 गूगल के योग हैं। गूगल बहुत रोगों में इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिससे आपको आइडिया होगा गूगल होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं गूगल के बारे में। दोस्तों, गूगल एक प्लांट, यानी एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है बल्कि कहा जाए, जिसका नाम है वैज्ञानिक कॉमिफोरा मुकुल, और इससे एक निर्यास निकलता है। निर्यास का मतलब है कि पेड़ की छाल से अपने आप एक गोंद जैसा पदार्थ निकलकर जमा होता रहता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गूगल है। तो ये गूगल नाम का जो पेड़ होता है कॉमिफोरा मुकुल, उससे प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है। इसके बाद इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, ये रॉ फॉर्म में है आप देख सकते हैं, और फिर इसका शोधन किया जाता है आयुर्वेदिक विधि से। शोधन की बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद गूगल सॉफ्ट हो जाता है। ये कठोर दिखाई दे रहा है, गूगल सॉफ्ट हो जाता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मोम जैसी हो जाती है, जैसा मोम होता है ना, वैक्स ऐसा हो जाता है, और ये हल्के भूरे रंग का हो जाता है। तो ये रॉ फॉर्म में है, और इसी तरह जब ये आप इसको शोधित कर लेते हैं, तो ये वैक्सी हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और बहुत ज्यादा मेलिएबल, यानी आप इसको बहुत इजीली दबा सकते हैं। तो गाइस, हम जानते हैं कि ये गूगल आयुर्वेद में अपने आप में भी इस्तेमाल होता है, यानी शुद्ध गूगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रचलित है वो गूगल के योग हैं, यानी अलग अलग दवाइयों में गूगल मिला दिया जाता है, और फिर वो अलग अलग कामों में, अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 12 दवाइयां आपके सामने रखी हैं, जो कि इंडियन फार्मेकोपिया, जो जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग जो किताब है, उसमें जिन गूगल योगों का वर्णन किया गया है, उनमें ये 12 योग हैं। इनमें ज्यादातर योग या तो भेषज रत्नावली नाम के ग्रंथ से लिए गए हैं, या फिर शारंगधर संहिता से लिए गए हैं। तो एक एक करके इनके नाम जानेंगे, और अगली वीडियो जो हमारी आएंगी गूगल सीरीज में, वो एक एक गूगल का जो योग है, उसमें इंडिविजुअली हम डिटेल में बताएंगे। आज बस हम इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सिंहनाद गूगल है, और ये आर्थराइटिस और गाउट, यानी के जोड़ों की जो प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का दर्द और गठिया में ये लाभकारी है। दोस्तों, सिंहनाद गूगल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स मिलाई गई हैं, और उन मेडिसिन्स में, यानी बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, उन जड़ी बूटियों में एक चीज क्या है, गूगल भी है, इसलिए इसका नाम है सिंहनाद गूगल, और ये जोड़ों के दर्द में लाभकारी है। आयुर्वेद का जो शास्त्र है, उसके अनुसार गूगल की डोज होती है 3 ग्राम, गूगल के योगों की डोज होती है 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम। बाकी जो फॉर्मुलेशन ये बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, अलग अलग कंपनियां अपनी डोज अलग अलग निर्धारित करती हैं। दूसरे आप ये देख रहे हैं, ये है सप्तविंशति गूगल, ये अर्श एवं भगंदर में लाभकारी है। अर्श कहते हैं बवासीर को, और भगंदर कहते हैं फिस्टुला को, तो ये इस प्रकार के रोगों में लाभकारी है।
ये है वातारी रस जो आप देख रहे हैं, लिखा है वात विकारों में उपयोगी है, ये भी गुग्गुल का योग है और शास्त्रीय ग्रंथों में वातादि गुग्गुल के नाम से है। वात विकार दोस्तों एक बहुत बड़ी श्रृंखला हो गई है, यानी कि बड़े सारे रोग आ गए हैं वात विकारों में, इसमें मानसिक रोग भी आते हैं, जोड़ों का दर्द आदि भी आता है। यहां पर एक बात और क्लियर करता चलूं मैं आपको कि गुग्गुल ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो तो बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द के रोगों में गुग्गुल का एक विशेष स्थान है। चौथा गुग्गुल का शास्त्रीय योग है व्योषादी गुग्गुल। व्योषादी गुग्गुल जो है वो सर्दी जुकाम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है लाक्षादी गुग्गुल और लिखा है यूजफुल इन मसल्स एंड बोन्स पेन, यानी जो हमारी मांसपेशियों का और हड्डियों का जो दर्द होता है ये भी कहीं ना कहीं जोड़ों के दर्द से रिलेटेड है, तो ये उसमें लाभकारी है। दोस्तों लाक्षादी गुग्गुल वाकई में बहुत अच्छी दवाई है, मैंने अपने पेशेंट्स को दी है और इसके अच्छे फीडबैक हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं योगराज है और महायोगराज है, ध्यान से देखिए लिखा है योगराज गुग्गुल और महायोगराज गुग्गुल, दोनों ही चाहे योगराज हो चाहे महायोगराज गुग्गुल हो दोनों वात विकारों में लाभकारी हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, चलता हुआ दर्द, यानी जैसे होता है ना बॉडी में कि कभी यहां दर्द हो जाता है कभी वहां, इसके अलावा मानसिक रोग पागलपन आदि में ये लाभकारी है। नेक्स्ट जो गुग्गुल का योग है त्रिफला गुग्गुल और इस पे लिखा है भगंदर एवं सूजन में लाभकारी है। तो जैसे मैंने बताया भगंदर को का मतलब होता है फिस्टूला, उसमें लाभकारी है और जो शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है उसमें लाभकारी है। नेक्स्ट है गाइस त्रियोदशांग गुग्गुल, त्रियोदश कहते हैं 13 को और इसमें 13 जड़ी बूटियां हो सकती हैं, आप एक तरह से ये समझ लीजिए, और ये लाभकारी है जोड़ों के दर्द में। तो गाइस एक बात तो क्लियर हो गई होगी सिंहनाद से लेकर त्रियोदशान तक कि ज्यादातर गुग्गुल के योग जोड़ों के दर्द या फिर हड्डी रोगों में लाभकारी हैं। अब हम आते हैं ये लास्ट हमारे चल रहे हैं गोक्षुरादी गुग्गुल। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मुलेशंस है गुग्गुल का जो मूत्र विकारों में बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें गोक्षुर आ रहा है गोखरू आ रहा है तो इसलिए जो है इसका जो कनेक्शन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से है। नेक्स्ट है गाइस कैशोर गुग्गुल जिस पे लिखा है जोड़ों दर्द एवं रक्त विकारों में लाभकारी है, तो बात वही आ जाती है कि जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है। और लास्ट का हमारा बार हवा योग है कांचनार गुग्गुल और लिखा है यूजफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ सिस्ट। सिस्ट कहते हैं दोस्तों जैसे आपने सुना होगा एक तरह की गांठ हो जाती है शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से में, किसी के लीवर में हो जाती है, महिलाओं में जो अंडाशय होता है ओवरी होती है तो ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन है जो बच्चे पैदा होने में भी बाधा बनती है, तो कांचनार गुग्गुल उसमें बहुत फायदेमंद है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 योग गुग्गुल के हैं शास्त्रीय मत के अनुसार। यूं आपको अलग अलग कंपनियों के थोड़े बहुत शास्त्रीय मत से अलग होते हैं कुछ गुग्गुल मिल जाएंगे, लेकिन ये 12 तो एकदम फिक्स हैं। तो गाइज आज की वीडियो में तो इतना ही, यहीं पे मैं बात समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी क्रम में लेकर आएंगे जिस क्रम में हमने आपको बताया है, यानी नेक्स्ट वीडियो हमारी सिंहनाद गुग्गुल पे आएगी। आशावादी सीरीज अपनी जगह चलती रहेगी, गूगल सीरीज अपनी जगह चलती रहेगी, जरूरत है आपके सहयोग की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से ऐसी एक वीडियो में, गुड बाय।